शादी क्या बन जाए। खून बढ़ता है, यही लेके ना पी लो, गटागट गटकाए जाओ, देखो मैं ऐसे क्या हो गया, शक्कर कम है? हाँ तो पी लो, खत्म कर दो। शर्मिंदा है भगवान का सर, बाकी हम तुमसे वायदा करते हैं कि हमारा बच्चा जरूर होएगा और क्या कहें, जौन कुछ हुआ उसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। अगर हम वक्त को पीछे ले जा सकते तो हमारी हर एक गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। सच्ची नशा पता में तुमको जो हम मारे पीटे हैं, हम जानते हैं बहुत घिनौना काम किए, लेकिन क्या करें, अब कुछ बदल तो नहीं सकता ना। वैसे भी भगवान ने हमको इसकी ऐसी सजा दी है कि नशे में चूर हमारी आंखें खुल गई। हमरा मन अंदर से बहुत रोई रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है हमको। उस सब के लिए, हमारी हर एक गलती के लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। बाकी हम तुमसे वायदा कर रहे हैं कि हमको एक बार माफ कर दो, दोबारा गलती का मौका ही नहीं देंगे हम। अगर तुम हमको माफ नहीं करोगी तो हम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम कहीं मरमुरा जाएंगे। हमसे ही दुख, ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम बता रहे चलिए दीदी, नाश्ता कर लीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? तुम ही बता दो कैसा लगेगा उस औरत को जिसने अपना बच्चा खो दिया हो और अब अपने पति को भी खोने की कगार पे है। दीदी आप संभालिए खुद को, आप नहीं जानती कि शक्ति भैया आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं।
जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तब उन्होंने आपके सामने प्यार और प्रायश्चित का नाटक किया। ऐसी बात नहीं है प्रतिज्ञा, इनकी बात से तो लग रहा था कि ये सचमुच सुधर गए, बेचारे अपनी गलती भी मान रहे हैं। और जौन अपनी गलती मानता है उसको तो माफ कर देना चाहिए ना। ऐसा मत कीजिए दीदी, शक्ति भैया जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रायश्चित नहीं है बल्कि सजा मिलने के डर से सिर्फ एक नाटक है। जहां आपने केस वापस लिया वहां फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले होता था। ऐसा मत कीजिए दीदी। देखो घंटी लाल, बड़ा प्रेम करती थी तुम अपने पोताओं की बहुरिया से ना? बात बात में घंटी बजा के मन बढ़ाए दिया था, कर दे तमाशा। भाई बाप माई कौनों का कुछ नहीं समझा और चुटकी बजाए के इज्जत को ठेंगा दिखाए के निकल लिया। आज तक जौन ई घर में न हुआ आज हो गया। हमरे घर में पुलिस, जब हमरे अपने लोग ऐसे ही लुटवाएंगे तो फिर सज्जन सिंह तो घुटने पे ही बैठ जाएगा। घुटने हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हमसे क्या क्या काम करवाएंगे। सुनते कि बोझा उठवाते हैं, चक्की पिसवाते हैं। कैसे करेंगे हम इसे? आज तक एगो तिनका भी नहीं उठाए तो अपने पैर में भी इतना दर्द रहता है, कैसे उठाएंगे इतना बोझा? अरे इससे तो अच्छा था कि हम कल्पात का कि ही मर जाते। सब हमारी वजह से हुआ है अम्मा, हमको माफ कर दो, इसमें तुम्हारी कोनो गलती नहीं ना। हम अपनी मेहरारू को मारते और ना ही इस होता। गलती की है तो उसका भुगतान भी हम ही करेंगे। हम जाए के कह देंगे कि इसमें तुम्हारा कोनो दोष नहीं है। अरे एक लोटा पानी लिया के दे, मार कर मुंह पे छिट्टा रोए जा रही, बौंडियाए जा रही है, बौखलाए गई है बेहूती। वह क्या रो रही हो तुम? वैसा लड़का पैदा करोगी ना
स्टॉप ही नहीं, जिंदगी भर रोना पड़ेगा, बचा के रखो ये आंसू, तब काम आएगा। बेहूदी रोए जा रही है। लियो लियो पानी पी लियो। बहुत रख लिया अपने अम्मा का खाया, तू ही हमारे गाने में रहता तो आज हमको ही दिन देखना पड़ता का। अब पानी नहीं बाबा, मरने से पहले ना सीधा गंगा जल पिलाना हमरे मुंह में। हमरे मरने से पहले अपनी माँ के दूध का कर्ज समझ के बाबा। इतना जरूर करना। बन जाए।